बीसीसीआई ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर के दौरे के लिए पहले मैच की मेजबानी बेंगलुरु करेगा, जिसमें 24 फरवरी को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 27 फरवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद 5 वनडे मैच होंगे। पहला वनडे 2 मार्च को हैदराबाद में आयोजित होगा। इसके बाद 5 मार्च को नागपुर में, 8 मार्च को रांची में, 10 मार्च को मोहाली में और 13 मार्च को दिल्ली में मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई के विज्ञान के अनुसार दोनों T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रात में होंगे, जो शाम 7 बजे से शुरू होंगे। वही मैच वनडे नाइट डे नाइट होंगे, जो दोपहर 1:30 पर शुरू होंगे। वनडे सीरीज के दौरान दिल्ली में 5 वनडे के मैच मेजबान मिलेंगे। भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने गुरुवार को इस सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा की। बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव अभिता चौधरी ने मुताबिक सीरीज में 2 T20 मैच और 5 ODI मैच खेले जाएंगे। T20 मैच 24 फरवरी 27 फरवरी क्रमशः बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए विश्व कप से पहले अंतिम अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। विश्व कप इंग्लैंड में 23 मई से शुरू होगा। भारत इस सीरीज के बाद जिम्बाब्वे में एक घरेलू सीरीज खेलेगा। इसके बाद खिलाड़ी विश्व कप के लिए IPL में भाग लेंगे। सैड न्यूज की रिपोर्ट।